विशेष सप्ताह के शुरुआती दिनों में आपको सावधान रहने की जरूरत है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आठवें भाव में रहेगा। आपसे जो कुछ कहा जाए उसे गौर से सुने, कोई नया वादा ना करें। इन दिनों में मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ सकती है। इस सप्ताह नौकरी के प्रयासों में तेजी आएगी और सफलता भी मिलेगी। उत्साह बढ़ेगा और आप पॉजिटिव रहेंगे। नौकरी और बिजनेस में कुछ अच्छे बदलाव होंगे। नई नौकरी या बिजनेस में एक्स्ट्रा इनकम होने की संभावना है। वर्क प्लेस पर काम अच्छा होगा, लेकिन कुछ दिन काम समय पर नहीं होने के कारण आप खुद से नाराज हो सकते हैं। संतान से सुख मिलेगा। लव लाइफ के मामले में भी समय अच्छा है। दाम्पत्य जीवन की उलझने खत्म हो सकती है। करियर यह सप्ताह आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए ठीक रहेगा। बिजनेस में फायदा होने की संभावना है। कोई बड़ी संपत्ति खरीदने के भी योग बन रहे हैं। यह सात दिन आपके करियर के लिए टर्निंग प्वाइंट भी साबित हो सकते हैं। करियर संबंधी किसी भी बात को हल्के में ना लें। बड़ों के मार्गदर्शन में ही सफलता मिलेगी। हेल्थ, इस सप्ताह आपकी सेहत सामान्य रहेगी। सप्ताह के आखिरी दिनों में मानसिक तनाव हो सकता है, इसलिए किसी भी बात को जरूरत से ज्यादा तूल ना दें। इन दिनों में आप हर तरह की परेशानियों के बावजूद सफल हो जाएंगे। इस सप्ताह से आप पर शनि की दया शुरू हो जाएगी। इन सात दिनों में चंद्रमा गोचर कुंडली के सातवें भाव से कर्म भाव तक जाएगा। नौकरी पेशा लोगों की सैलरी बढ़ सकती है। बिजनेस में फायदे होंगे। इस सप्ताह आपके काम की शुरुआत भी थोड़ी सुस्त रहेगी। समस्याओं का सामना हिम्मत के साथ करें। जीवन में आगे बढ़ने के अवसर सामने आएंगे। किसी रिश्तेदार के साथ कोई नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। इन दिनों में आप जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला ना करें। जो काम बहुत समय से आपके पास है वह निपट जाएगा। इन दिनों में चुनौतियां भी ज्यादा हो सकती है। कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी। नए वाहन खरीदने का विचार होगा। जोखिम भरे निवेश ना करें तो बेहतर है। नौकरी में पदोन्नति का योग बन रहा है। बात बात पर गुस्सा होने से बनता काम भी बिगड़ सकता है। लव लाइफ के लिए समय अनुकूल है। किसी बात पर लाइफ पार्टनर से विवाद हो सकता है। सप्ताह के अंत तक सब सामान्य भी हो जाएगा। प्रोफेशन नौकरी पेशा लोगों के लिए सप्ताह अच्छा है। कुछ लोगों का इंक्रीमेंट और प्रमोशन हो सकता है। बिजनेस में जोखिम भरा निवेश ना करें। सप्ताह के आखिरी दिनों में बड़ा धन लाभ हो सकता है। करियर, वृष राशि वाले स्टूडेंट्स के लिए यह समय अच्छा रहेगा। परीक्षा संबंधी तैयारियों में शिक्षकों और अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन मिल सकता है। हेल्थ, इस सप्ताह आपकी सेहत पर मौसमी बीमारियों का असर रहेगा। सर्दी, जुकाम, बुखार की समस्या हो सकती है। खाने पीने का ध्यान रखें। पेट के विकार होने की संभावना है। मिथुन, इस सप्ताह आप कुछ लोगों या परिस्थितियों के कारण जिद छोड़ने के लिए मजबूर हो सकते हैं। आपको करियर के कुछ अच्छे ऑफर मिल सकते हैं। अपने भविष्य को लेकर आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। आप इन दिनों में आत्मविश्वास से काम लेंगे। जोश दिखाने के बजाय अपने व्यक्तित्व और क्षमताओं को सामने आने का मौका दें। इन दिनों में नौकरी में कोई अच्छा काम भी मिल सकता है। बेरोजगार लोगों को नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। बिजनेस में अनिश्चितता रहेगी। अविवाहित लोगों को वैवाहिक संबंध के प्रस्ताव मिल सकते हैं। पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है और मेल मिलाप से भी फायदा होगा। कारोबार को लेकर अस्थिरता रहेगी। लव लाइफ के लिए समय अच्छा रहेगा। ससुराल पक्ष से कोई फायदा होने की संभावना है। लव, इस अविवाहित प्रेमियों के संबंध ठीक रहेंगे। वैवाहिक प्रस्ताव मिलेंगे। किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो कर दें, सफलता मिल सकती है। इस सप्ताह आपके साथी का मिजाज आपके अनुसार हो सकता है। करियर नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय अच्छा है। बिजनेस में बड़े जोखिम ना लें। छोटे व्यापारी बड़े निवेश ना करें। करियर के नजरिए से यह सप्ताह आपके लिए सामान्य रहेगा। किसी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वही करते रहे।
इसी में आपका करियर सेट होगा। हेल्थ यह सप्ताह हार्ट पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं रहेगा। सेहत को लेकर लापरवाही ना करें। कर्क, जो समस्या आपको पिछले समय से हैरान करती आ रही थी, इन दिनों में वो खत्म हो सकती है। आने वाला समय और भी अच्छा रहेगा। इस सप्ताह चंद्रमा गोचर कुंडली के पांचवें घर से आठवें घर तक जाएगा। इन दिनों में आपको कुछ खट्टे मीठे अनुभव होंगे। इस हफ्ते आपको कोई राज की बात भी पता चल सकती है। रिसर्च करने वाले लोग पूरी तरह सफल रहेंगे। समस्याओं का समाधान होगा। खुद पर गर्व महसूस होगा। थोड़ी कोशिश से कार्यक्षेत्र की समस्या सुलझ सकती है। बदलती परिस्थितियों का फायदा उठाने में सफल रहेंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। योजनाएं पूरी होंगी। पिछले नुकसान की भरपाई भी इसी सप्ताह होगी। आपकी सभी जरूरतें पूरी करने के लिए सहयोगी तैयार रहेंगे। सप्ताह के आखिरी दिनों में आप थोड़ा परेशान जरूर हो सकते हैं। फालतू खर्चे भी बढ़ने की संभावना है। लव, इस सप्ताह लव लाइफ के लिए समय सामान्य है। दाम्पत्य जीवन में रिश्ते बनते बिगड़ते रहेंगे। हालांकि प्रेमियों के लिए यह समय ठीक रहेगा। करियर निवेश सोच समझ कर करें। नए क्षेत्रों में पैसा निवेश करने के लिए समय ठीक है। धन लाभ होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी समय सामान्य रहेगा। करियर को लेकर थोड़े सावधान रहे। पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। हेल्थ सेहत का ध्यान रखें। परिवार का कोई सदस्य बीमार हो सकता है। समय समय पर चेकअप जरूर करवाएं। घुटनों का दर्द हो सकता है। सिंह, सप्ताह की शुरुआत गोचर कुंडली के चौथे चंद्रमा से होगी। आपकी कई परेशानियों इन 7 दिनों में खत्म हो जाएगी। विवादों में जीत मिल सकती है, लेकिन निवेश करने से पहले अच्छी तरह जानकारी लें। बिना सोचे समझे किसी भी तरह का निवेश ना करें। सिंह राशि के लोग इन दिनों में जो योजनाएं बनाएंगे वो पूरी भी होंगी और उनमें आपको सफलता मिलेगी। इस सप्ताह कामकाज में व्यस्तता बढ़ेगी। आपका पूरा ध्यान नौकरी और सेहत में सुधार करने पर रहेगा। समस्याओं का समाधान करने में आप सफल रहेंगे। सहयोग और समझौते करने से सफलता मिलेगी। कोई नया काम शुरू हो सकता है। दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इसकी ज्यादा परवाह ना करें। संतान से सुख मिलेगा। लव, सप्ताह की शुरुआत में लव लाइफ अच्छी रहेगी, लेकिन बीच में कुछ गलतफहमी के कारण दाम्पत्य जीवन में परेशानी हो सकती है। इस मामले में बुजुर्गों की राय का सम्मान करें। करियर, बिना सोचे समझे कोई निवेश करेंगे तो नुकसान हो सकता है। सप्ताह के आखिरी दिनों में धन लाभ हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन सामान्य रहेंगे। स्टूडेंट्स, मन लगाकर पढ़ाई करें, सफलता जरूर मिलेगी। हेल्थ सेहत के लिए यह समय थोड़ा परेशानियों वाला हो सकता है। परिवार के किसी सदस्य की तबीयत अचानक खराब भी हो सकती है। मौसमी बीमारियों से बचने के लिए खान पान पर ध्यान दें। कन्या, इस सप्ताह किसी से विवाद हो सकता है। जो प्लानिंग आप काफी समय से बना रहे हैं वो लीक हो सकती है। रिश्तेदार या कुछ खास लोगों से आपको मदद नहीं मिल पाएगी, लेकिन कुछ दोस्त आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। इस हफ्ते आपकी लोकप्रियता भी बढ़ सकती है। लोगों के साथ कांटेक्ट और बातचीत होगी। जोखिम का अंदाज लगाए बिना जोश में आकर किए गए कामों से नुकसान हो सकता है। विचार व्यक्त करते समय अपने शब्दों को लेकर सावधान रहें। भावनात्मक संतुलन का ध्यान रखें। आप और आपके आसपास के लोग भी भावुक हो सकते हैं। बिजनेस में सफलता मिलेगी। इन दिनों में शुद्ध और अशुद्ध दोनों तरह का फल मिलेगा। लव, इस सप्ताह मीन राशि वाले प्रेमियों के बीच लंबा विवाद भी हो सकता है। दाम्पत्य जीवन सामान्य रहेगा। सप्ताह के आखिरी दिनों में लव लाइफ अच्छी रहेगी। करियर, बिजनेस में फायदा कम होगा। रुका हुआ पैसा मिलने में परेशानी आएगी। नौकरी पेशा लोगों को थोड़ा धन लाभ जरूर होगा। चिंता ना करें, आपको मेहनत का पूरा फल मिलेगा।
कन्या राशि के लोगों को जॉब के लिए नए ऑफर्स मिल सकते हैं। फैसले सोच समझ कर लें। इनकम के नए रास्ते सामने आएंगे। नौकरी पेशा लोगों को काफी मेहनत करनी होगी। हेल्थ सेहत को लेकर यह सप्ताह थोड़ा टेंशन वाला रहेगा। कोई पुराना रोग परेशान कर सकता है। सप्ताह के आखिरी दिनों तक सब ठीक भी हो जाएगा। थोड़ी सावधानी जरूर रखें। तुला, इन दिनों में आपके लिए फायदे वाली स्थिति बन सकती है। नौकरी या धंधे में अपनी हैसियत को लेकर असुरक्षा का भाव आपके मन में आ सकता है, लेकिन सोचे हुए काम पूरे जरूर होंगे। तुला राशि के बेरोजगार लोगों के लिए समय अच्छा है। रोजगार मिलने के योग हैं। विरोधी आपको परेशान करने की असफल कोशिश करेंगे। जहाँ तक हो सके किसी के साथ भस में न उलझे। भावनाओं को नियंत्रण में रखें। इन दिनों में अपनी वाणी पर भी कंट्रोल करें। सोच समझ कर बोले। कार्यक्षेत्र की चुनौतियां कम हो सकती है। सामूहिक कार्यों में सफलता मिलेगी। जीवन की दिशा में बदलाव भी शुरू हो रहा है। इन दिनों में आपके कुछ शक दूर हो सकते हैं। आकर्षण बढ़ेगा। सेहत को लेकर लापरवाही ना करें। कोई नया सदस्य परिवार से जुड़ सकता है। लव लाइफ में इस सप्ताह उतार चढ़ाव आ सकते हैं, यानी दाम्पत्य सुख का मज्यादा हो सकता है। अविवाहित लोगों को विवाह प्रस्ताव भी मिल सकते हैं। करियर के मामलों में समय अच्छा है। बिजनेस की समस्याएं दूर होंगी। बेरोजगार लोगों को थोड़ी कोशिश के बाद रोजगार मिल सकता है। रोजगार को लेकर मन में चल रही आशंकाएं खत्म हो सकती है। करियर के लिहाज से यह सप्ताह सामान्य हो सकता है, लेकिन फिर भी कोशिश करते रहे। उचित मार्गदर्शन मिल सकता है, उसका फायदा उठाएं, तभी आगे जाकर सफलता मिलेगी। हेल्थ, इस सप्ताह आपको अपनी सेहत पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। पेट संबंधित रोगों के कारण परेशानी हो सकती है। वृश्चिक, इस सप्ताह नए लोगों से मुलाकात होने की संभावना है। उनके साथ बीता समय आपके लिए सुखद हो सकता है। नए विचार भी आएंगे। इस राशि के नौकरी पेशा लोग नई नौकरी तलाश कर सकते हैं। धन लाभ होगा, हालांकि उससे आपको संतुष्टि कम ही मिल पाएगी। कार्यक्षेत्र में कोई तनाव है तो वह सुलझ जाएगा। आप ऐसी चीजों और लोगों से दूर होते जाएंगे जो आपको टेंशन देते हैं या आपके लिए उपयोगी नहीं है। आप किसी का भला करने की कोशिश करेंगे। आसपास के लोगों को खुश रखने की कोशिश भी करेंगे। इस सप्ताह अपनी बुरी आदतों पर कंट्रोल करें। काम में अपनी पूरी ताकत लगा दें। किसी पुराने न्यायालयीन मामले का फैसला भी इन दिनों में हो सकता है। लव लाइफ ठीक रहेगी। लव, इस सप्ताह आपकी लव लाइफ भी ठीक रहेगी। जीवन साथी से पुराने विवाद खत्म होने के योग है। नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है। करियर, इस सप्ताह प्रोफेशनल लाइफ में कुछ तनाव हो सकता है। कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन तनाव की स्थिति बन सकती है। पैसों के लेन देन में सावधानी रखें। कोई नया निवेश भी ना करें तो बेहतर रहेगा। यह सप्ताह स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। करियर को लेकर चिंता रहेगी। हालांकि सप्ताह के आखिरी समय तक कोई बहुत बड़ी सफलता भी जरूर हाथ लग सकती है। हेल्थ, इस सप्ताह आप सेहत को लेकर टेंशन न लें। सेहत संबंधी पुरानी समस्याओं का समाधान इस हफ्ते हो जाएगा। धनु, इस सप्ताह नौकरी और बिजनेस में आपके सामने ऐसे मौके आएंगे जिनका फायदा आने वाले दिनों में मिलेगा। आप सकारात्मक रहेंगे। इन दिनों में आपकी बहुत सी इच्छाएं पूरी हो सकती है। ऑफिस के किसी ऐसे काम में सफलता मिलेगी जिसमें कई लोग शामिल हैं। पारिवारिक या साझेदारी के बिजनेस में भी सफलता मिल सकती है। किसी पुराने दोस्त से मिलने या पुराने मामले को निपटाने का मौका भी आपको मिल सकता है। करीबी रिश्तेदार आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे।
सप्ताह के बीच में आपकी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से होगी जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आखिरी दिनों में आश्चर्यजनक स्थितियां भी बन सकती है। दोस्तों और भाइयों से मदद मिल सकती है। कार्यशैली का विकास होगा। परिवार में मांगलिक उत्सव होंगे या इस समय आपको धार्मिक यात्राओं पर भी जाने का मौका मिल सकता है। लव लाइफ के लिए समय अच्छा है। प्रेमियों में खूब बनेगी। जीवन साथी से अच्छा व्यवहार करेंगे, साथ में समय बीतेगा। प्रोफेशनल धनु राशि वालों की प्रोफेशनल लाइफ इस सप्ताह ठीक रहेगी। बिजनेस में फायदा होगा। पुराने निवेश से इस सप्ताह फायदा होगा। नौकरी पेशा वालों के लिए समय सामान्य है। करियर इस सप्ताह करियर संबंधी कोई अच्छी खबर मिलेगी। मेहनत का फायदा मिल सकता है, लेकिन कोई भी फैसला जल्दबाजी में न ले। हेल्थ परिवार की किसी महिला सदस्य की सेहत को लेकर चिंता रहेगी। मौसमी बीमारियों के कारण बच्चों की सेहत पर बुरा असर रहेगा। सर्दी जुकाम की समस्या भी रहेगी। मकर ये 7 दिन भाग दौड़ वाले हो सकते हैं। आप घर और ऑफिस में जो कुछ बदलाव करना चाहते हैं, उनके बारे में खास तौर पर अच्छी तरह विचार जरूर कर लें। इन दिनों में जल्दबाजी में आपसे कोई चूक भी हो सकती है। कोई बात समझने में भी गलती हो सकती है। आप सामाजिक तौर पर बहुत सक्रिय रहेंगे। यात्राएं और खर्चा भी होगा। अच्छी बात यह रहेगी कि आपके विरोधी और कामकाज में आ रही रुकावटें धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। कार्यक्षेत्र और आपके काम करने के तरीकों में बदलाव हो सकते हैं। आसपास के लोगों पर ध्यान रखें। आपके काम की कोई चीज मिल सकती है। दाम्पत्य जीवन भी ठीक ठाक रहेगा। इस सप्ताह आपको सामाजिक और राजनीतिक जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आसपास और साथ काम करने वाले लोगों की नजरों में अच्छी इमेज बन सकती है। लव लाइफ के लिए यह सप्ताह ठीक रहेगा। अविवाहित लोगों के शादी और सगाई के योग बन रहे हैं। प्रेम संबंध भी अच्छे रहेंगे। करियर इस सप्ताह नौकरी धंधे में छोटी मोटी समस्याएं आ सकती हैं। जोखिम भरे निवेश ना करें, नुकसान हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा। पहले की गई मेहनत का फल इस सप्ताह मिल सकता है। हेल्थ सेहत के नजरिए से समय आपके लिए ठीक नहीं है। कामकाज ज्यादा होने के कारण थोड़ी परेशानी जरूर रहेगी। मौसमी बीमारियों का शिकार भी हो सकते हैं। थोड़ी सावधानी रखनी होगी। कुंभ इस सप्ताह हड़बड़ी पर नियंत्रण रखें। ग्रहों का मिला जुला असर आप पर रहेगा। इन दिनों में आपको पैसों से जुड़े फायदे भी होंगे तो खर्चे भी होंगे। इन दिनों में कड़ी मेहनत के बाद ही आपको अपने करियर में आगे बढ़ने के मौके मिल पाएंगे। नए निवेश का फैसला भी आप कर सकते हैं। बुजुर्गों की सलाह लेते रहे। कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। कोई व्यक्ति जो आपके लिए खास है, वो आपको गलत समझ सकता है। बिजनेस में ज्यादा फायदा हो सकता है। बिजनेस में लोग आपसे प्रभावित होंगे। ऑफिस में किसी से विवाद भी हो सकता है, इसलिए सावधानी से बातचीत करें। ससुराल से सहयोग मिल सकता है। जीवन साथी से संबंध ठीक रहेंगे। सेहत में उतार चढ़ाव आएंगे। लव इस सप्ताह लाइफ पार्टनर के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। प्रेमियों के लिए यह समय थोड़ा नकारात्मक हो सकता है। करियर बिजनेस में ज्यादा फायदा तो नहीं होगा, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता से आप सबको प्रभावित करेंगे। ऑफिस में अपने व्यवहार पर थोड़ा नियंत्रण रखें। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है। मेहनत ज्यादा होगी। इस समय की गई मेहनत का फल आने वाले दिनों में भी आपको मिल सकता है। हेल्थ सेहत के नजरिए से 7 दिन उतार चढ़ाव वाले हो सकता है। माता की सेहत को लेकर चिंता रहेगी। जरूरी चेकअप इन दिनों में करवा ले, आपके लिए अच्छा रहेगा। मीन राशि वालों के लिए 7 दिन ठीक ठाक ही रहेंगे। चंद्रमा गोचर कुंडली के भाग्य भाव से 12वें भाव तक जाएगा। कार्यक्षेत्र की परेशानियां कम हो जाएंगी और फायदा हो सकता है।
किसी नौकरी का इंटरव्यू हो चुका है तो उसमें नियुक्ति का समाचार मिलने की संभावना है। खर्चों पर कंट्रोल रखें, नया सामान खरीदने का मन बनेगा। इन दिनों में आपको बिजनेस और नौकरी दोनों में फायदा हो सकता है। अधिकारी आपसे खुश रहेंगे। इनकम होती देखकर उत्साहित ना हो। सप्ताह के आखिरी में जब चंद्रमा कुंडली के 12वें भाव में रहेगा तब खर्चे बढ़ सकते हैं। जरूरी कामों के लिए आपको कर्जा भी लेना पड़ सकता है। विरोधियों से सावधान रहने की जरूरत है। लव लाइफ के लिए यह सप्ताह ठीक रहेगा। जीवन साथी के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं। करियर इस समय आपको प्रोफेशन में सफलता मिलने की संभावना है। निवेश के लिए अच्छा समय है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी समय अनुकूल है। शेयर बाजार में धन लाभ की संभावना बन रही है। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक रहेगा। इन दिनों में विचलित ना हो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। हेल्थ सप्ताह सेहत को ध्यान में रखते हुए ठीक रहेगा। सप्ताह के आखिरी दिनों में सेहत को लेकर थोड़ी परेशानी भी जरूर हो सकती है, लेकिन सेहत में सुधार भी हो सकता है। लव इस सप्ताह लाइफ पार्टनर के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। प्रेमियों के लिए यह समय थोड़ा नकारात्मक हो सकता है। करियर बिजनेस में ज्यादा फायदा तो नहीं होगा, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता से आप सबको प्रभावित करेंगे। ऑफिस में अपने व्यवहार पर थोड़ा नियंत्रण रखें। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है। मेहनत ज्यादा होगी। इस समय की गई मेहनत का फल आने वाले दिनों में भी आपको मिलेगा।